डीएम ने दिए निर्देश, सेवापुरी ब्लॉक के हर ग्राम पंचायत में अब चार प्रकार के सेवा दल होंगे गठित। नीति आयोग के अंतर्गत विकास खंड सेवापुरी ब्लॉक के ग्राम वासियों के व्यवहार में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के संबंध में कैसे परिवर्तन लाया जाए, इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चार प्रकार के सेवा दलों का गठन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी ने विकास भवन सभागार में ब्लॉक के नोडल अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की। नवनियुक्त सीईओ कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने संभाला कार्यभार, कहा क्राइम रेट कम करना पहली प्राथमिकता। नवनियुक्त क्षेत्राधिकारी कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने वाराणसी में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। युवा आईपीएस ऑफिसर अभिमन्यु मांगलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी हैं और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गृह जनपद बुलंदशहर तथा उच्च शिक्षा दिल्ली से हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मूल रूप से बुलंदशहर से हूँ, बुलंदशहर जिला, और मेरी 10वीं कक्षा तक की जितनी भी शिक्षा है बुलंदशहर में ही हुई है। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। पढ़ाई में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया है। पुलिस में आने, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी पहली पोस्टिंग है, तो प्राथमिकता तो जैसे सीखूंगा वैसे बदलती रहेंगी, लेकिन जिस मूल रूप के लिए अपेक्षा रखी जाती है सीओ से, तो एक तो एक अच्छा पर्यवेक्षण हो पाए पुलिस थानों का, पुलिस थाने के अभिलेख से लेके या जो पब्लिक डीलिंग है उसमें सुधार आ पाए, और उसके अलावा क्राइम पे थोड़ी मैं अपनी पकड़ बना पाऊँ, और उससे अगर क्राइम कम हो पाता है तो वो मेरे लिए अचीवमेंट हो। सर, काशी में यातायात तो समस्या वर्षों से चली आ रही है, यातायात को लेकर भी कुछ प्लानिंग रहेगी? जी हाँ, यातायात भी पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में आती है, और जैसे कि मैं एक दिन ही हुआ है लेकिन मैंने देखा है कि थोड़ी अव्यवस्था है और काफ़ी गुंजाइश है तो ठीक करने की, तो मैं अपने क्षेत्र में जैसे भी रहेगा उनको ठीक करूँगा। पार्किंग को मैंने देखा है थोड़ा रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में ही पार्किंग कर दी है जिससे सड़क छोटी हो जाती है और नॉर्मल चलने में दिक्कतें आती हैं, तो उसमें अगर कुछ हो पाया चालान किए जाएंगे और जो भी कानून में अधिकार दिए गए हैं वो एक्सरसाइज करे जाएंगे। थैंक यू सर। सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, पुलिस क्या सोची सर? पुलिस कुछ सोचा नहीं, मतलब एक समाज के लिए कुछ काम करना था, तो मुझे लगा ये ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म देगा मुझे, और सब कोई अपनी शिक्षा लेते हैं, कोई इंजीनियर बन के आता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आ गया, कोई नई बात नहीं। नहीं सुन रहे थे हुक्मरान, स्थानीय लोगों ने खुद ही कर लिया इस सड़क का कायाकल्प। शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र स्थित प्रताप नगर सेक्टर ए लक्ष्मणपुर शिवपुर को जाने वाली सड़क कई वर्षों से विकास की बाट देख रही थी। इस सड़क पर हमेशा कीचड़ और पानी बजबजाता था। स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों के पास गुहार लगाई, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो आखिरकार थक हार कर यहाँ की आम जनता खुद नजीर बनी और चंदा इकट्ठा करके अपने इलाके की सड़क का निर्माण करवा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी और हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने कोतवाली थाने में सपा नेता के खिलाफ दी तहरीर, दर्ज हुआ मुकदमा। अमरीश सिंह भोला ने सोमवार की रात कोतवाली थाना प्रभारी को सपा नेता लालू यादव पर कार्रवाई करने के लिए तहरीर दी। अमरीश सिंह भोला ने सपा नेता द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। इस तहरीर पर जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने आईटी एक्ट और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज समाजवादी पार्टी का एक यहाँ का उच्च नेता है लालू यादव, जो अपने मुखिया अखिलेश यादव से बरीद थे क्योंकि वो भी अनाप शनाप बयान देते हैं, ऐसे ही लालू यादव ने आज मुख्यमंत्री जी पे बहुत ही गलत टिप्पणी की, उसको लेकर के इंद्रवाणी भारतीय महानगर के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, और उन कोतवाल महोदय से आग्रह किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती तो इंद्रवाणी कार्यकर्ता ऐसे लालू यादव को सबक सिखाने का काम करेगा। बीएचयू के लापता छात्र मामले में कोर्ट में हाजिर हुए एसएसपी स्वीकार किया कि लंका थाने से ही गायब हुआ है शिव। 6 महीने पहले लंका थाने से पुलिस अभिरक्षा से गायब हुए छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार को एसएसपी वाराणसी अमित पाठक हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि छात्र लंका थाने से ही गायब हुआ है।
हाई कोर्ट में आज सुनवाई करने वाले जजों की बेंच में बदलाव किया गया था, जिस कारण वाराणसी पुलिस को राहत मिली है और रिपोर्ट जमा करने के लिए 12 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर होगा बड़ा कार्यक्रम, तैयारी में जुटी भाजपा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को वृहद रूप में मनाने के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वर्ष यह वृहद कार्यक्रम पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल पड़ाव पर होगा। इस कार्यक्रम की सफलता और इसकी रूपरेखा के लिए उत्तर प्रदेश के भाजपा सह प्रभारी सुनील ओझा ने मंगलवार को स्मृति स्थल पड़ाव का निरीक्षण किया और पार्टी पदाधिकारियों संग कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का कटा चलान, मैदागिन चौराहे पर चला ब्लैक फिल्म के विरुद्ध अभियान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक के निर्देश पर मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट व 3 सवारी व 4 पहिया वाहनों पर काली फिल्म लगाने वालों का चलान किया जा रहा है। शहर के बदऊ, चुंगी, मैदागिन, मलदैया, रथयात्रा, चौका घाट, लंका, रामनगर, भोजूबीर सभी प्रमुख चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मंगलवार को सैकड़ों अधिवक्ताओं ने वाराणसी एसएसपी कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं को बार बार अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन पुलिस और अधिवक्ताओं में अनावश्यक बहस होती रहती है। नागेंद्र सिंह एडवोकेट, कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी। इस बात का विरोध है, विरोध ये है कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ जो पुलिस का सामंजस्य होना चाहिए अधिवक्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच में, ये इसके कमी के कारण आए दिन इस तरह की घटना घट रही है। अगर कोई अधिवक्ता कहीं किसी मामले में कोई दिक्कत है, हमारा बार है, बार अध्यक्ष को इस सारी चीज़ों से अवगत कराएं। और मुझे तो लगता है कि इस सरकार में, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में अधिवक्ताओं के खिलाफ उन्होंने सरकार ने आंख बंद कर लिया है। हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मिला था सर्किट हाउस में, 1 साल हो गया, अभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अधिवक्ताओं के इंश्योरेंस की बात करता हूँ, हम लोगों ने किया था कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो अधिवक्ताओं का, उसके बाद अभी तक कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आंख मूंदे हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो स्थिति सब आज भयक्रांत स्थिति है, पुलिसिया उत्पीड़न इस कदर बढ़ गया है कि आम जनमानस परेशान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूँ, आदरणीय योगी जी मुखिया हमारे जो प्रदेश के हैं, आप तत्काल संज्ञान लें। जमीनी विवाद में हुआ संघर्ष, वृद्ध की मौत। चोलापुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में मंगलवार की सुबह जमीनी विवाद में हुए संघर्ष में एक वृद्ध की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भिजवाया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वाराणसी में मंगलवार को 207 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 177 तथा अस्पताल से 1 व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 194 पहुंच गया है। अब तक 11,978 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 10,143 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,641 है।